नमस्कार दोस्तों, YouTube के सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं दीपावली के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। दुर्गा पूजा की समाप्ति और दीपावली की तैयारी शुरू हो जाती है, साफ सफाई की जाती है और यह 5 दिवसीय पर्व के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में काफ़ी श्रद्धापूर्वक इस पर्व को मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में 2 नवंबर से दीपावली की शुरुआत हो जाएगी, जो 5 दिनों तक चलेगी। 2 नवंबर को एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में जाना जाएगा। धनतेरस से शुरुआत होगी। धनतेरस में देवता यमराज, कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धनवंतरी की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन देवता धनवंतरी का जन्म हुआ। समुद्र मंथन से धनवंतरी देवता प्रकट हुए। इस दिन धनतेरस का महत्व और भी बढ़ जाता है और कहा जाता है कि इस दिन कुछ नया खरीदने का प्रचलन है। धनतेरस से तात्पर्य है कि अगर इस दिन 13 की संख्या में कोई वस्तु खरीदा जाए तो घर में हमेशा धन भरा रहता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और देखा जाए तो नरक चतुर्दशी में देवता यमराज की पूजा की जाती है। तीसरा दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है। चारों तरफ अंधेरा को हटाया जाता है, रोशनी की व्यवस्था की जाती है, दीपक जलाया जाता है जिससे अंधकार को मिटाया जा सके। और दीपावली से हमें सीख मिलती है कि हमारे भीतर जो भी अंधकार है, अज्ञानता है, उसे समाप्त किया जाए। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर अपने घर पहुँचे थे और उस दिन चारों तरफ दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया। इस तरह से देखा जाए तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में जाना जाता है। चौथा दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। घर के आंगन में गोवर्धन की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान इंद्र गोकुलवासियों से नाराज़ हो गए थे और तब उन्होंने वर्षा की जिससे गोकुलवासी परेशान हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को
अपने छोटे उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। पांचवा दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे भैया दूज के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन बहनें अपने भाई को आमंत्रित करती हैं और उन्हें तिलक लगाती हैं, उनकी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, धन धान्य के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का विशेष महत्व बताया गया। इस तरह से देखा जाए तो दीपावली एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में जाना जाता है और यह अंधेरा को दूर करता है, अज्ञानता को दूर करता है, प्रकाश फैलाता है। और देखा जाए तो यह त्यौहार सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं मनाया जाता है, भारतवासी जहाँ भी हैं इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। विश्व के किसी भी कोने में हों इस पर्व को मनाते हैं। यह हमें संदेश दिलाता है कि हमारे चारों ओर जो भी अंधकार हो उसे समाप्त किया जाए। और देखा जाए तो इस वर्ष महामारी का प्रकोप रहा और ध्यान पूर्वक इस पर्व को मनाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को सावधानी पूर्वक इस पर्व को मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे पटाखा छोड़ते हैं जिससे घायल हो जाते हैं। उन्हें सावधानी पूर्वक इस पर्व को मनाने की आवश्यकता है, इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। अंत में मैं दीपावली के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद।